Hello students, this is Gayatri. Welcome back. Another question of NCERT Mathematics Class 9, Chapter 6, Lines and Angle, Exercise 6.2. And question number first is, in figure, find the value of x and y, then show that AB parallel to CD. ये question में हमें figure दिया हुआ है और इसमें हमें ये वाला angle है 50 degree, ये है 130 degree. हमें x and y की value find करनी है और साथ ही हमें show करना है कि जो AB है वो CD के parallel है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पॉइंट्स ले लेते हैं. ये सपोज हो गया P, Q, दिस पॉइंट इज R एंड दिस इज S. तो अब यहाँ पर जो हमें एंगल PQA है वो गिवन है. एंगल PQA इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एंगल सी आर एस इक्वल्स टू 130 डिग्री. अब हमें जो फाइंड करना है वो है एंगल एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और साथ ही हमें शो करना है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है. तो हम प्रूफ करेंगे उसके लिए. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि एंगल, ये जो एक ट्रांसवर्सल है पी से लेके एस तक, ये जो लाइन जा रही है पी एस, ये एक ट्रांसवर्सल है. तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये टू एंगल्स बन रहे हैं. यहाँ पे एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर. तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल पी क्यू ए हमें गिवन है 50 डिग्री, तो एंगल ए क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हम एंगल ए क्यू आर को फाइंड कर लेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. तो यानी ये हमारा जो एंगल एक्स था वो हमारे पास आ गया 130 डिग्री, ये वाला एंगल. अब यहाँ पर हम देखेंगे ये 130 है तो ये भी 130 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इसको हम लिखेंगे एंगल सी आर एस इक्वल्स टू एंगल डी आर क्यू इक्वल टू 130 डिग्री की वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल्स अब ये हमारा 130 है तो ये भी हमारा 130 आ गया. अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा x था वो भी 130 था और जो हमारा y है वो भी 130 है. तो इस तरह से जब ये x और y इक्वल आ गए, यानी कि ये हमारे बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स भी. तो जब x और y हमारे इक्वल हैं तो यानी कि ये जो लाइन है ए बी एंड सी डी, तो ये भी जो होगी हमारी पैरेलल होगी. क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की, या हम बोल रहे हैं कि जो दो अंदर की जो एंगल्स बन रहे हैं जिनको कि हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, वो अगर उनका सम 180 है तो हम बोलते हैं कि जो दोनों लाइन्स हैं वो पैरेलल्स हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स जो है वो भी 130 है और जो वाई है वो भी 130 है. तो जब हमारा एक्स और वाई दोनों इक्वल है 130 के, तो यानी कि ये जो दोनों लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी, ये हमारी क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी. देयरफॉर ए बी पैरेलल्स टू सी डी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y और z का जो रेशियो है वो हमें गिवन है 3:7 और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं p q r e s एंड t. तो यहाँ पर जो हमारा एंगल y है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एंगल क्यू आर सी इक्वल्स टू एंगल डी आर एस, यानी कि ये हो गया वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
देन ये भी हमारा वाई आ गया। अब हमें जो वाई और जेड का रेशियो है वो दिया हुआ है 3:7, और हमें पता है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये गिवन है हमें, सी डी जो है वो ई एफ के पैरलर है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरलर है, देयर फोर जो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है इनका सम होगा 180 डिग्री, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब वाई और जेड का जो रेशियो है 3:7 है, यानी कि 3K+7K इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 10K इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, सॉरी ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री में, तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। अब जो वाई था हमारा वो था 3K, यानी कि 3 × 18 ये हमारे पास आ गया 54 डिग्री, और जो जेड था वो था हमारा 7K, यानी कि 7 × 18 ये आ गया हमारा यहाँ से 126 डिग्री, यानी जो वाई है वो 54 डिग्री है और ये 126 डिग्री। अब ये 54 है तो ये भी 54 डिग्री होगा, हमने पहले ही दिखा है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा आ गया 54 डिग्री। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ए बी और सी डी भी पैरलर है, तो यानी कि ये जो दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम भी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी पैरलर टू सी डी, देयर फोर एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ए क्यू आर है वो एक्स है, प्लस क्यू आर सी जो है वो हमारा आया है 54 डिग्री, जो कि वाई था इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री, तो हमारा एक्स आ गया 126, वाई 54, एंड जो जेड था हमारा वो आ गया 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर इफ ए बी पैरलर सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, देन हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई एंड जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, देन एंगल जी ई एफ एंड देन एंगल एफ जी ई, ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंस ए बी पैरलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल जी ई कट्स दैम एट जी एंड ई रिस्पेक्टिवली, सो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि एंगल ए जी ई इक्वल्स टू होगा एंगल जी ई डी के। अब हमें जो जी ई डी है वो 126 है, यानी कि ए जी ई भी हमारा कितना आ गया 126 डिग्री। सो नेक्स्ट जी ई एफ इक्वल्स टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, यानी कि अब हमें निकालना है एंगल जी ई एफ, तो इसके लिए हम इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी ई डी 126 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 36 डिग्री, यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल जो है जी ई एफ ये आ गया हमारा 36 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री
तो अब हमें ये वाला एंगल माइनस करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई एफ एंड प्लस एंगल जी एफ ई इक्वल टू होगा 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों जो ट्राइंगल के एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो हमारा एंगल एफ जी ई है वो हमें फाइंड करना है। जी ई एफ जो है वो हमारा है 36 डिग्री, जी एफ ई है हमारा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 54 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आ गया हमारा 54 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमें निकालने थे। एंगल ए जी ई हमारा आया है 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ आया है हमारा 36 डिग्री एंड एंगल एफ जी ई आया है हमारा 54 डिग्री।